हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। फैज़, 13 फरवरी सन 1911 को पंजाब के ज़िला नारोवाल की एक छोटी सी बस्ती काला कादिर के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद सुल्तान खान बैरिस्टर थे। फैज़ की इब्तदाई तालीम मशरकी अंदाज में शुरू हुई और उन्होंने क़ुरान के दो पारे भी हिफ्ज़ किए। फिर अरबी फ़ारसी के साथ अंग्रेज़ी तालीम पर भी तवज्जो दी गई। फैज़ ने अरबी और अंग्रेज़ी में एमए की डिग्रियां हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दौरान तालीम फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी उनके ख़ास मजामीन थे। उस कॉलेज में उनको अहमद शाह बुखारी, पतरस और सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सम जैसे उस्ताद मिले। फैज़ अहमद फैज़ ने मजमूई तौर पर एक आम अदीबो शायर से बेहतर ज़िंदगी गुजारी। वो हमेशा लोगों की मोहब्बत में घिरे रहे। वो जहाँ जाते लोग उनसे दीवानावार प्यार करते। फैज़ बुनियादी तौर पर रोमानवी शायर हैं और उनकी शायरी को मुआशकों की कमक बराबर मिलती है। एक बार अमृता प्रीतम को राजदार बनाते हुए उन्होंने कहा था, मैंने पहला इश्क 18 साल की उम्र में किया, लेकिन हिम्मत कब होती थी ज़ुबान खोलने की। दूसरा इश्क उन्होंने एलिस से किया। एक बार फिर इश्क की गहराई देखी। उसके अलावा भी कुछ पर्दा नशीनों से उनके ताल्लुकात थे, जिनको उन्होंने पर्दा में ही रखा। इस गज़ल ने बहुत पज़ीराई हासिल की। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगुं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के तारीख बेहमाना तलिस्म, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फैज़ बुनियादी तौर पर रोमानवी शायर हैं। रोमानियत उनकी फितरत में है। वो ज़िंदगी की उलझनों, परेशानियों और तलखियों का सामना एक हसास शायर की तरह करते हैं, लेकिन ना बगावत पर उतरते हैं और ना नारे लगाते हैं, बल्कि उन तलखियों को सहते हुए उस जहर को अमृत बना देते हैं। वो एक एहतसास शायर थे और एक पूरे अहद पर असरअंदाज हुए। फैज़ की तसानीफ़ में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ता संग, सरे वादिय सीना, शामे शहरे यारां और मेरे दिल मेरे मुसाफिर के अलावा नसर में मिज़ान, सलेबे मरे दरीचे में और मताहे लोहो कलम शामिल हैं। फैज़ का पैदायशी नाम चौधरी फैज़ अहमद था। फैज़ जब लाहौर में थे तो ज़माना तालबे इल्मी के उस दौर में ये रोमानवी शायरी के अरूज का ज़माना था। मुशायरे होते थे और रोमानवी अंदाज की नज़में और गज़लें पढ़ी जाती थीं और रसायल में शाया होकर ज़्यादा वसी हलके तक पहुँच जाती थीं। हल्का अदब की जानिब से सियालकोट मरे कॉलेज में एक मुशायरे में पहली बार अपनी शायरी में दाद समेटी। सन 1984 में उन्हें अदब के नोबल इनाम के लिए नामजद किया गया था, लेकिन किसी फैसले से पहले 20 नवंबर सन 1984 को उनका इंतकाल हो गया।